Now again point measurement of over voltage and over potential. There are two method for measuring over voltage. Two method of over voltage measurement. First method is direct method and second method is commutator method. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है. इस डायग्राम के माध्यम से किसी भी मेटल के ओवर पोटेंशियल को हम डायरेक्ट मेथड या डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट मेथड. इन दिस मेथड एक्साइटिंग करंट इज पासेस. जैसे ही मेटल का एक्साइटिंग करंट पास होगा, पासिंग विल द मेजरमेंट, वैसे ही पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं. द ऑपरेटर यूज्ड बाय थाइल. ये जो ऑपरेटर है वो अकॉर्डिंग टू थाइल इन शो द फिगर. द इलेक्ट्रोड ओवर वोल्टेज टू बी मेजर्ड. द इलेक्ट्रोड ओवर वोल्टेज टू बी मेजर्ड ई एक्स. दिस इज द ई एक्स. ई एक्स इज द इलेक्ट्रोड ओवर वोल्टेज टू बी मेजर्ड. इज ऑब्जर्व विथ अ लो पावर माइक्रोस्कोप. इफ ई वन इज द पोटेंशियल ऑफ जिंक. दिस इज द ई वन. ई वन इज द पोटेंशियल ऑफ जिंक. देन द कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन एंड ई एक्स. देन कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन एंड ई एक्स. दिस इज अ प्राइमरी सेल. कॉम्बिनेशन विच इज कॉल्ड इज अ प्राइमरी सेल. द डिस्चार्ज ऑफ करेंट थ्रू विच मे बी रेगुलेटेड बाई एडजस्टेबल रजिस्टेंस आर. एडजस्टेबल करेंट फ्लो को एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पर रजिस्टेंस या करेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए रेजिस्टेंस पावर यूज किया गया है. इलेक्ट्रोड ई वन में आल्सो बी ऑफ इन इनर्ट मेटल. इन दैट केस आर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय एडजस्टेबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल. द ओवर वोल्टेज इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड ई एक्स एंड द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई एच. दिस इज द ई एच सी एच फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई एच बाई मीन्स पोटेंशियोमीटर. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई एच से पोटेंशियोमीटर कनेक्ट है, इसलिए इसको पोटेंशियोमीटर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जा रहा है. और हाइड्रोजन इज बबल्ड थ्रू द वेसल्स बी एंड सी. हाइड्रोजन गैस इस वेसल्स पे पास होने की वजह से बी और सी में बबल्स वेसल्स को थ्रू आउट कर रहा है, जिससे हम डायरेक्ट किसी भी मेटल के ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल को पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं. फिगर का नाम ओवर वोल्टेज मेजरमेंट इक्विपमेंट बाय डायरेक्ट मेथड. नाउ नेक्स्ट कम्यूटेटर मेथड. कम्यूटेटर मेथड इज अ डिफिकल्टी ओवरकम फेस्ड इन डायरेक्ट मेथड. जो डिफिकल्टी डायरेक्ट मेथड में हो रही है, उस डिफिकल्टी को दूर करते हुए कम्यूटेटर मेथड दिया गया. कम्यूटेटर मेथड दैट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ई एक्स. पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ई एक्स. दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ई एक्स. मे बी अफेक्टेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को ई एक्स जो है डिफरेंस को ई एक्स ई और एक्स जो है मे बी अफेक्टेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस इन द नेबरहुड ऑफ द इलेक्ट्रोड. कम्यूटेटर मेथड वॉज devised for measuring over voltage. Commutator method
एक डिवाइस है जो ओवर वोल्टेज को मेज़र करेगा. इन दिस मेथड द एक्साइटिंग करंट इवन जैसे ही फ्लो होगा एंड द मेजरिंग करंट आर अल्टरनेटिवली. एक्साइटिंग करंट फ्लो होने के बाद मेजरिंग करंट आर अल्टरनेटिवली करंट, इसके साथ मेजरिंग जो ई एक्स करंट है वो अल्टरनेटिवली अटैच हो जाएगा. अल्टरनेटिवली अटैच एंड कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड कनेक्शन इन फिगर मेजरमेंट ऑफ ओवर वोल्टेज आर रिप्लेस्ड इन द कनेक्शन द रोटेटिंग कम्यूटेटर. दिस इज द कम्यूटेटर, सी फॉर कम्यूटेटर, रोटेटिंग कम्यूटेटर जो अल्टरनेटिवली E1 और EX से अटैच है. और दो कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होंगे. फर्स्ट होगा द इलेक्ट्रोड E1 एंड देन सेकेंड इज द विद द पोटेंशियोमीटर P, विद द पोटेंशियोमीटर P एंड द एक्साइटिंग करेंट डज नॉट एक्ट वेन पोटेंशियोमीटर. एक्साइटिंग करेंट डज नॉट एक्ट पोटेंशियो डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर से एक्साइटिंग करेंट कनेक्ट नहीं होगा और उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे. इन दिस मेथड एक्साइटिंग करेंट एंड मेजरिंग करेंट आर अल्टरनेटिवली कनेक्टेड डज नॉट एक्ट वेन पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट आर मेड. नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग ओवर वोल्टेज. फैक्टर अफेक्टिंग ओवर वोल्टेज. फैक्टर अफेक्टिंग ओवर वोल्टेज, फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ओवर वोल्टेज को अफेक्ट पहुंचाता है करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी करंट प्रोवाइड होगा उस पर प्रोवाइडेड हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन आर देयर ऑक्सीडाइज्ड एज एन द ओवर वोल्टेज ओमेगा इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग करंट डेंसिटी आई अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन करंट आई फॉर करंट ओमेगा ओवर वोल्टेज इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लॉग आई. ओमेगा फॉर ओवर वोल्टेज इंक्रीजिंग वेयर इज ए और बी, ए एंड बी इज अ कॉन्स्टेंट. दिस इज द ओवर वोल्टेज. सेकेंड पॉइंट इज अ pH वैल्यू इज स्ट्रांगली एसिडिक आर एल्कलाइन सॉल्यूशन. डेरिवेशन समटाइम्स अकर विच मे बी ड्यू टू द लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन. pH वैल्यू जो है ओवर वोल्टेज को इफेक्ट पहुंचाती है क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जब मेटल पर कंप्लीट होता है तो pH वैल्यू जिस सॉल्यूशंस पर वो डीप होता है वो pH वैल्यू अगर ज़्यादा एल्कलाइन हो तो इफेक्ट पहुंचाएगा ओवर वोल्टेज के रीडिंग में. थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर. सिंस ओवर वोल्टेज इज ड्यू टू द स्लो स्टेज इन द आयनिक डिस्चार्ज प्रोसेस इट इज क्लियर दैट ओवर वोल्टेज विल डिक्रीज. ओवर वोल्टेज डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ओवर वोल्टेज जो है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ओवर वोल्टेज जो है डिक्रीज हो जाएगा. तो इस प्रकार से फैक्टर अफेक्टिंग ओवर वोल्टेज का ये पॉइंट है टेम्परेचर. नाउ अगेन इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज ओवर वोल्टेज इज सब्सिटेबल टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द कैथोडिक मटेरियल. इम्प्योरिटीज के प्रेजेंस होने पर भी ओवर वोल्टेज की वैल्यू अफेक्टेड होगी. नेक्स्ट है प्रेशर.
इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द हायर प्रेशर, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द हायर प्रेशर द ओवर वोल्टेज इज स्टैटली अफेक्टेड. ओवर वोल्टेज हायर प्रेशर पे इफेक्ट पहुँचाता है. वेल द लोवेस्ट प्रेशर इज इंक्रीज रैपिडली कैथोड ऑफ कॉपर एंड निकिल ETC. ओवर वोल्टेज अफेक्ट पहुँचाता है, ओवर वोल्टेज पर अफेक्ट पहुँचाता है प्रेशर. बहुत ही लो प्रेशर पर ओवर वोल्टेज जो है हाई हो जाएगा. थ्योरी ऑफ ओवर वोल्टेज, नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ ओवर वोल्टेज, थ्योरीज ऑफ फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशंस टू द इलेक्ट्रोड लेयर. सेकेंड इज अ ट्रांसफर ऑफ आयन H+ आर प्रोटॉन टू द इलेक्ट्रोड. एंड थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक हाइड्रोजन बाय द डिस्चार्ज ऑफ आयन बाय इलेक्ट्रोड. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट इज अ स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप प्ले अ पार्ट बिकॉज द ओवर वोल्टेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटलिक कैथोड. पूरी तरीके से ओवर वोल्टेज जो है मेटल के कैथोडिक पार्ट पर डिपेंड करता है. ये इसका थ्योरी हुआ. इम्पोर्टेंस ऑफ ओवर वोल्टेज, इम्पोर्टेंस ऑफ ओवर वोल्टेज, द फिनोमिना ऑफ ओवर वोल्टेज इज यूज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस होंगे उतनी ही ज़्यादा ओवर वोल्टेज की वैल्यू होगी. इफ़ इलेक्ट्रोलाइट्स विथ हाई ओवर वोल्टेज आर यूज इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन देन इट इज़ अमाउंट टू द सेम फैक्ट एस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इट द इलेक्ट्रोड्स. दिस इंक्रीज द रिडक्शन पावर ऑफ इलेक्ट्रोड. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इस ओवर वोल्टेज इम्पोर्टेंस में कि यह जो है दिस इंक्रीज इंक्रीजेज द रिडक्शन पावर ऑफ द इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पावर को इंक्रीज करने में इनका मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है.